तो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग का Xiaomi का कोई भी डिवाइस है तो गाइस यहाँ पर आप लोग के लिए Android 12 अपडेट को लेके एक लिस्ट निकल के आई है। यहाँ पर कौन से डिवाइस को न्यू डिवाइस को ऐड किया गया, इसके अलावा कुछ डिवाइस ऐसे जिनको रिमूव किया गया, कौन से डिवाइस है, क्या आपका डिवाइस है उसमें, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी यूजर ये भी कमेंट करके बोलेंगे कि Android 11 अपडेट हमें अभी तक नहीं मिला तो मी Android 12 अपडेट के बारे में क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पर ये न्यूज निकल के आई है, Android 12 अपडेट को लेकर लिस्ट निकल के आई है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो एंड तक देखनी है, अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख ले। तो यहाँ पर मैं लिस्ट के बारे में बता दूं, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Xiaomi एंड Redmi Android 12 अपडेट की लिस्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ डिवाइसेस इन इंटरनल बेटा ऑफ Android 12, यानी कि यहाँ पर इन डिवाइसों के लिए जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इंटरनल टेस्टिंग चल रही है Android 12 की, उनके लिए कभी भी रिलीज हो सकता है। यहाँ पर उनमें डिवाइस का नाम है MI 11 की सीरीज, यानी कि MI 11 प्रो, अल्ट्रा, MI 11 आई, MI 11 एक्स, पोको F3, Redmi के 40, MI 11 X Pro है, Redmi के 40 Pro है, Redmi के 40 Pro Plus है, इसके अलावा यहां पर MI 10 S का नाम है, MI 10 10 MI 10 का नाम है, MI 10 Pro का नाम है, MI 10 Ultra का भी नाम है, यानी कि MI 10 सीरीज के जितने भी डिवाइस है सभी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे सिवाय MI 10 I का। यहाँ पर MI 10 T भी है, MI 10 T Pro भी नाम देखने के लिए मिल जाता है। इन डिवाइस के लिए इंटरनल टेस्टिंग चल रही है Android 12 की, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं कितनी जल्दी अपडेट रिलीज किया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लिस्ट है डिवाइस में गेट Android 12, यानी कि यहाँ पर चांसेस है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा डिवाइस को अपडेट देना है या फिर नहीं, उनके कंपेटिबिलिटी के हिसाब से दे दिया जाएगा। तो कौन से डिवाइस है, Redmi Note 9 का डिवाइस। जी हाँ गाइज, यहाँ पर Redmi 10X 4G का जो वेरिएंट है वो चाइना में देखने को मिलता है, उसका ही वेरिएंट इंडिया में Redmi Note 9 के नाम से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर Redmi Note 9 का डिवाइस देखने मिलता है जो ग्लोबल साइड में भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा MI Note 10 Lite का नाम भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये डिवाइस है जिनके लिए चांसेस है भी और नहीं भी कि Android 12 का अपडेट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अपडेट मिल सकता है, बट उसके लिए अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ जो कंफर्म लिस्ट है जिनको तो डेफिनेटली अपडेट मिलना है। यहाँ पर Redmi एंड Poco डिवाइसेस विल गेट Android 12, Redmi 10X 5G का वेरिएंट है, Redmi 10X Pro का वेरिएंट है, Redmi Note 9 की सीरीज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, Redmi Note 9S है, Note 9 Pro का डिवाइस है और Note 9 Pro Max का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। यहाँ पर Redmi Note 9 का जो 5G वेरिएंट है और 9T का जो डिवाइस है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro का 5G वेरिएंट है। यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज की बात करूँ तो सभी डिवाइस आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि Redmi Note 10, 10S, 10T, 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Pro Max जो कि इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, Redmi Note 10 Pro का जो 5G वेरिएंट है चाइना में उनके लिए भी रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिवाइस गाइस देखने के लिए मिलता है Redmi Note 8, यहाँ पर ये कौन सा Redmi Note है, यहाँ पर ये Redmi Note 8 2021 एडिशन का जो अभी हाल ही में ग्लोबल साइड में लॉन्च किया गया था लेटेस्ट डिवाइस है, तो उनके लिए रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा Redmi 9T और यानी कि Redmi 9 Power का नाम देखने के लिए मिल जाता है, इनके लिए भी डेफिनेटली अपडेट मिलेगा Android 12 का। इसके अलावा Redmi Note 9 का जो 4G वेरिएंट है उसमें भी चाइना में रिलीज किया जाएगा। Redmi के 30 की सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं, Redmi के 40 का जो गेमिंग डिवाइस है उसमें भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर Poco डिवाइस, Poco F2 Pro में मिलेगा, Poco F3 GT, Poco X2, X3, X3 NFC, आप लोगों को बता रहा हूँ Poco X3, Poco X3 का जो NFC एडिशन है ग्लोबल साइड में मिलता है उसमें भी मिलेगा, Poco X3 Pro में भी मिलेगा, Poco X2 में भी मिलेगा। इसके अलावा Poco M3, M3 Pro, M3 Pro 5G इनमें भी देखने के लिए मिलेगा, Poco M2 Pro में भी देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, Poco M2 का नाम फिलहाल नहीं मिलता है, Poco M2 Pro का नाम देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं उनका डिवाइस कहाँ पर ऐड किया गया, यहाँ पर ब्लैक शार्क के डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो लिस्ट है MI डिवाइस विल गेट Android 12, पर उन डिवाइसों की लिस्ट है MI मिक्स फोल्ड है, MI 11 लाइट 4G है, MI 10 लाइट 5G है, जूम है, यूथ है, MI 10 I का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, MI 10 I 10T लाइट है, यहाँ पर इनको भी अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डिवाइस की लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ डिवाइस वोंट गेट Android 12, यानी कि ये डिवाइस की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर उन डिवाइस के लिए Android 12 का अपडेट नहीं मिलने वाला। कौन सी लिस्ट है, MI 9 की सीरीज देखने के लिए मिल जाती है, 9S, 9SE Lite है, 9T है, 9T Pro है, MI CC 9 की सीरीज देखने के लिए मिल जाती है, MI Note 10 की डिवाइस है, MI Note 10 Pro की डिवाइस है, Redmi के 20, Redmi के 20 Pro और यहाँ पर प्रीमियम Redmi के 20 का जो डिवाइस है इनके लिए भी नहीं मिलने वाला। तो ये क्लियर हो जाता है Redmi Note 8 सीरीज के लिए भी नहीं मिलने वाला, Android 11 ही अपडेट काफ़ी मुश्किल से मिल सकता है आप लोग के डिवाइस में, लेकिन Android 12 नहीं मिलने वाला है।
यहाँ पर Redmi 9 के डिवाइस के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन से डिवाइस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। Redmi 9 है, Redmi 9A का डिवाइस है, Redmi 9AT का डिवाइस है, अलग कंट्री में देखने मिलता है। Redmi 9i का डिवाइस देखने मिलता है, जो कि Redmi 9A के नाम से इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाता है। Redmi 9C का भी नाम है, अब यहाँ पर Redmi 9 Prime का भी नाम। तो Redmi 9 Prime यूजर लोग को भी आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग के लिए भी Android 12 अपडेट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर Poco C3, Poco M2 और Poco M2 Reloaded, Poco M2 के दो वर्जन है, एक M2 है एक M2 Reloaded, जो कि काफ़ी दिन पहले ही रिलीज किया गया था, इंडिया में लॉन्च किया गया था, M2 के बाद ही ये अपडेट डिवाइस देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर इससे पहले जो लिस्ट निकल के आई थी, तो यहाँ पर कुछ यूजर के कमेंट्स आए थे कि Poco M2 के डिवाइस को Android 12 अपडेट मिलने वाला है तो Redmi 9 Prime के लिए क्यों नहीं मिलेगा, जबकि दोनों डिवाइस सेम है। तो यहाँ पर ये पहली लिस्ट में आप लोगों को काफ़ी यूजर के कमेंट्स आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो न्यू लिस्ट है, आज की लिस्ट है गाइस, और यहाँ पर क्लियर कर दिया, इन सारे सवालों के जवाब दे दिए कि Poco M2 को भी नहीं मिलने वाला है और Redmi 9 Prime को भी नहीं मिलने वाला है, और Poco M2 Reloaded जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया उसको भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हो, इन डिवाइसों को अपडेट नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर इनमें से जो भी डिवाइस है, जिनको मिलने वाले जिनको नहीं मिलने वाले, सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर दिया। इनमें से कोई भी डिवाइस है अगर आप लोगों को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो यार आप लोग वेट करो, शायद यहाँ पर Xiaomi अपडेट प्रोवाइड करा भी दे, बट यहाँ पर जैसे अपडेट की बारी आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करते रहूँगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद होता आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्यूचर में अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, क्या करो, काफी सारे यूजर सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, फ्री में होता है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।